दोस्तों अभी रिसेंटली द केरला स्टोरी मूवी से भी भयानक और रूह कपा देने वाली असली कहानी पे आधारित मूवी की अनाउंसमेंट करी गई है, जिसका नाम है अजमेर 92। दोस्तों जिन लोगों को पता है अजमेर 1992 कांड के बारे में, तो उसी हैवानियत कांड के ऊपर ये अपकमिंग मूवी आने वाली है, जो कि गड़े मुद्दे उखाड़ेगी और एक गिरी हुई मानसिकता को भी दिखाएगी, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन सब धरे के धरे रह गए और उनके सामने ये सारा कांड हो गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा इसी मूवी के बारे में और बताऊंगा इस मूवी का क्या कंटेंट होगा, इसकी स्टार कास्ट स्टोरी क्या होगी। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अजमेर 1992 मूवी एक रियल बेस्ड मूवी होने वाली है, जो कि एक सेक्स स्कैंडल के ऊपर होगी। दोस्तों अभी रिसेंटली इसका एक पोस्टर रिवील करा गया है, जिसके अंदर कई सारी हेडलाइन लिखी हुई है, जिसको पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी। जैसे कि 250 कॉलेज गर्ल हुई शिकार, बटने लगे न्यूड्स फोटो, 28 परिवार हुए लापता, एक के बाद एक सुसाइड से उठा पर्दा। दोस्तों इन्हीं सभी न्यूज और हेडलाइन के पीछे की दर्दनाक सच्चाई इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह और मूवी के लीड रोल में हम सभी को करण वर्मा, सुमित सिंह, सियाजी शिंदे, मनोज जोशी, शालिनी कपूर, ब्रिजेंद्र कालरा और जारीना बहुब जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। और इस मूवी को प्रोड्यूस कर रही है रिलायंस एंटरटेनमेंट फिल्म। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मूवी केरला स्टोरी मूवी से भी बहुत भयानक होने वाली है। दोस्तों ये मूवी 14 जुलाई 2023 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और मुझे पता है ये मूवी भी द केरला स्टोरी की तरह एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी। तो आपको क्या लगता है इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन क्या होने वाला है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।